नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप सक्षम न्यूज इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने यूपी में हारी हुई सीटों पर फतेह की कमान संभाल ली है। 7 महीनों तक यूपी से दूर रहने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने यूपी भाजपा नेताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक की कमान संभाली। इस बैठक में लोकसभा प्रवास योजना को लेकर मंथन हुआ, जिसके तहत यूपी में कुल हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर फोकस किया जाएगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी जिसके तहत उसने 2022 में विधानसभा चुनाव में अपने जीत का परचम लहराया था। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में 75 से अधिक सीट जीतकर अपना परचम बनाए रखे। हम सभी जानते हैं कि सुनील बंसल को 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राज्य में पार्टी की चुनावी जीत का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने पार्टी नेताओं से यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर तैयारियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जहां भी बीजेपी की हार हुई थी। बैठक में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, प्रदेश महासचिव संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। इसके अलावा इस बैठक में लोकसभा के प्रभारियों को भी बुलाया गया था। आपको यह भी बता दूं कि बंसल का लखनऊ आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब भाजपा अपनी यूपी सांगठनिक टीम को नए सिरे से तैयार करने की योजना बना रही है। बंसल पूर्व राज्य महासचिव संगठन ने संसदीय सीटों के विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया, जहां 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट आई थी, जब भाजपा ने भारी जीत दर्ज की थी। सूत्रों ने कहा कि बंसल ने कथित तौर पर राज्य के नेताओं को प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में काम तेज करने के लिए कहा है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में 14 लोकसभा सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैलियां करने की भाजपा की योजना के बीच उनका यह बयान काफी मायने में अहम है। नड्डा जो पहले ही गाजीपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर चुके हैं, उनके अगले कुछ दिनों में सहारनपुर के साथ ही अमरोहा का दौरा करने की भी उम्मीद है। इसके बाद अमित शाह मुख्य रूप से बसपा के कब्जे वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उप निर्वाचन क्षेत्रों पर समन्वय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कई केंद्रीय मंत्रियों को तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि दरअसल भाजपा अपनी पैठ मजबूत करने के लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान कर रही है। पार्टी की रणनीति रामपुर और आजमगढ़ में कुछ हद तक काम भी कर गई थी, जहां बीजेपी ने पिछले साल हुए उपचुनाव में सपा से जीत हासिल की थी। हालांकि भगवा विंग मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई सीट मैनपुरी के सपा के गढ़ में शेर लगाने में विफल रही। बीजेपी खतौली भी हार गई, जिसे पिछले साल सपा समर्थित रालोद उम्मीदवार मदन भैया ने जीता था, जो पार्टी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में सुनील बंसल का लखनऊ आगमन काफी मायनों में काफी अहम है, जो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक नई रणनीति देखने को मिल सकती है।